हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए, आपको आज हम बहुत ही प्यारी सी गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पतली वाली 10 नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पे पिंक कलर की मैंने वूल ली हुई है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी इजी सी गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर हमने एक ही कलर से ड्रेस को बनाना है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं गोपाल जी की ड्रेस के लिए, तो ये उलन आज आपको ड्रेस बताएंगे गोपाल जी के लिए। और जो ड्रेस आपको बताने जा रहे हैं वो हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बता रहे हैं। 3 से 4 नंबर को वो आराम से आ जाएगी। तो आपको जो ड्रेस बताने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और इजी तरीके से आपको 3 नंबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं ये प्यारी सी गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम फंदा डालेंगे और यहाँ पे हम फंदे 18 फंदे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिंपल ही हम फंदे डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना 18 फंदा डाल लेती हूँ। 3 से 4 नंबर गोपाल जी के लिए ये ड्रेस आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 18 फंदे डाल के कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना 18 फंदा डाल लिया है और 18 फंदे से आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम गोपाल जी के लिए घेरा बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो से ही आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 15 फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पे मैंने 3 फंदा अपना बिगर बुना, यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया है। ये देखिए, और यहीं से अपना वापस हो जाएंगे। और यहाँ पे हम दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और कुछ नहीं करना है। और जो ड्रेस आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी और इजी सी ड्रेस है, आसानी से आप सिलाइयों की हेल्प से बना सकते हैं। जिन्हें उल्टा सीधा बनाना आता है वो भी इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। और आप 3 नंबर में आराम से ये ड्रेस आ जाएगी और 4 को भी आप इसे पहना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। लास्ट के फिर से मैंने 3 फंदा छोड़ दिया है, यहीं से वापस हो जाएंगे। 3 3 फंदे छोड़ते हुए हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, काफी कमेंट आ रहे हैं कि गोपाल जी की उलन ड्रेस बताएं। तो आज हमने आपको उलन ड्रेस आपको बता रहे हैं। ये देखिए, 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 2 3 फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से वापस हो जाएंगे। हमने यहाँ पे पिंक कलर लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके गोपाल जी को पसंद है वो आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट के 3 फंदा फिर से छोड़ा है। 3 3 करके मैंने यहाँ पे सारे फंदे छोड़ लिए हैं। ये देखिए, अब 6 फंदा है। अब 3 फंदे फिर से छोड़ेंगे और तीनों को बनाएंगे।
यहाँ पे मैं एक साइड से इसको इस साइड से बुन रही हूँ और यहाँ पे सीधी साइड से हम इस तरह से उतार रहे हैं। तो यहाँ पे तीन फंदा, ये देखिए तीन तीन करके मैंने सभी फंदे यहाँ पे छोड़ लिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। अब तीन तीन फंदे छोड़ने के बाद हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ये एक पत्ती बनके मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीन तीन फंदे छोड़ने के बाद हम सभी को 18 फंदों को यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ही मैंने इसका पूरा घेरा बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए, सभी को बना लिए हैं और ये यहाँ पे उल्टी सिलाई को भी पूरा बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई को बनाना है, सभी फंदे छोड़ने के बाद बना लिए हैं। अब ये उल्टी सिलाई को भी बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो एक पत्ती फिर से यहाँ पे बन के ये कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हम तीन तीन फंदे छोड़ते हुए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे, अब तीन तीन फंदा मैं फिर से छोड़ूंगी अपना। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तीन फंदे छोड़ दिए हैं फिर से। अब ऐसे ही मैं इसको बनाते हुए इसका घेरा पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसका घेरा पूरा करके कंप्लीट करती हूँ। दोनों साइड से आपने उल्टा उल्टा ही बनाते हुए जाना है, हर पत्ती ऐसे ही गोल गोल अपना बनाते हुए कंप्लीट करना है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका यहाँ पे घेरा बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अपना ऐसे घेरा इसको बना के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी फंदों को अपना बंद करेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा, दोनों साइड से एकदम इसको उल्टा उल्टा हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी फंदों को अपना बंद कर लेंगे। घेरा बनाने के बाद बंद कर रहे हैं एक दूसरे। ये देखिए दो फंदे घट चुके हैं, वापस सिलाई में डाला। ये देखिए इस तरह से उसी सिलाई में दो का एक करते हुए सभी फंदों को बंद कर रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बता रही हूँ जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। और भी मैंने काफ़ी डिजाइनर ड्रेसेस अपने चैनल में डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये देखिए सभी फंदे, ये देखिए इस तरह से बंद कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इस साइड भी हमारा ऐसे ही, ये देखिए बन चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे हम अपनी नॉट लगा देंगे और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा घेरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बता रही हूँ, बिल्कुल ईजी सी, इस तरह से आपने घेरा बना के कंप्लीट करना है। काफ़ी अच्छी लगती हैं बड़े बड़े घेरे की ड्रेसेस। तो देखिए हम अब इसमें चोली बनाएंगे, वो कैसे हमने बनानी है वो आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए अब हम इसमें चोली अपनी कैसे बनाएंगे, ये देखिए एकदम से ये अच्छे से हमारा घेरा यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये देखिए अब हमने चोली कैसे बनानी है, यहाँ से हमने ये देखिए इस तरह से आप सिलाइयाँ गिन लें। ये देखिए हर लाइन को आप गिन लें इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ पे ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये देखिए, यहाँ पे हम दोनों साइड अपना एक दो तीन चार पाँच, पाँच इधर छोड़ के एक दो तीन चार पाँच, और ये देखिए बीच से हम फंदे अपना उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे हमारे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमारे बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम फंदा अपना उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए ऐसे। बहुत ही सिंपल सी ड्रेसेस बता रहे हैं गाइज आपको, ये देखिए ऐसे। इस तरीके से, और पांच लाइन हम इधर छोड़ देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है ये वाली इस साइड, और बीच में अपना नौ फंदा उठा के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, दो पांच हो चुके हैं, छः सात एक दो तीन चार पाँच सात आठ, और ये नौ, और एक दसवां भी फंदा हम उठा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक दो तीन चार पाँच, और इस साइड भी मैंने पांच धारियां अपनी छोड़ दी हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे ये देखिए फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब ये देखिए दस फंदे उठाने के बाद हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल सी बता रही हूँ गाइज ड्रेस, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। पांच सिलाइयाँ इधर छोड़ दी हैं और पांच सिलाइयाँ इधर छोड़ी हैं, बाकी हमने यहाँ पे, अब ये देखिए दोनों साइड से हमने फंदे को ऐसे उतारना है और धागा अपनी तरफ घुमा लेना है। अब ये देखिए ऐसे हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, दो सिलाइयाँ मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो दोनों साइड हमारी किनारी आनी चाहिए, ये देखिए इस साइड से मैंने बुन लिया है, और इधर हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। बहुत सिंपल और बनाने में ये बिल्कुल आसान है, और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो देखिए एक सिलाई हो चुकी है, यानी कि दोनों तरफ की दो सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने बना ली हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड की चार सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं। ये चार सिलाइयाँ हो चुकी हैं, इसके बाद हम यहाँ पे दो फंदा अपना दोनों साइड से उल्टा उल्टा कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हमने सीधी सीधी बनानी है सिलाइयाँ। तो ये हम तीसरी सिलाई को बना रहे हैं,
दोनों साइड दो दो फंदे उल्टे करेंगे, ये देखिए ऐसे, तो आइए मैं बनाती हूँ इसको। अब चौथी सिलाई को हम बनाएंगे, यानी कि दोनों तरफ की छह सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये देखिए दो उल्टी और एक सीधी, अब चौथी सिलाई हम बना रहे हैं। तो आइए मैं इसको करती हूँ थोड़ा लंबा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी छह सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि दोनों तरफ की मैंने अपनी टोटल 12 सिलाइयाँ अपनी बना ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही सिंपल सी ड्रेस आपको बता रहे हैं गाइज। ये देखिए दो और ये तीन, इसको हम उल्टा कर लेंगे, तीन फंदे बना लिए। इसके बाद हम अपना फंदा यहाँ से ये देखिए बीच में घटाएंगे। ये देखिए एक दो और ये तीन और ये चार, चार फंदे मैंने घटा दिए हैं, जिसमें हम तीन फंदा इधर भी रखेंगे अपना। ये देखिए तो यहाँ पे सिंपल सी चोली आपको हम ये बता रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम अपना इन तीन फंदों को ही ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ये देखिए उल्टा उल्टा, और लास्ट के दूसरी साइड के हम फंदे बनाएंगे ऐसे ही, ये देखिए। तो इनको हम बना लेते हैं, उसके आगे आपको फिर दिखाएंगे। तो एक साइड से हम तीन फंदों को बना रहे हैं, ये देखिए बहुत ही सिंपल सी और इजी सी चोली आपको ये बता रहे हैं हम। तो चलिए बना लेती हूँ मैं इनको, बुन लेती हूँ, थोड़ा लंबा कर लेती हूँ बनाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ की पट्टी अपनी बना ली है और इसमें आपको हम बताएंगे। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ मैंने सिलाइयाँ बना ली हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम इनको बंद कर देंगे। यहाँ से हम बंद करेंगे, ये देखिए इस तरह से। बंद कर दिए हैं, धागे को कट करेंगे। और इसी से हम निकालेंगे, ये देखिए। और इस धागे को यहाँ पे हम पूरा अपना कट कर देंगे, अच्छे से नॉट और लगा लेंगे एक बार इस तरह से, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये आ जाएगी। और यहाँ पे हम इस तरह से पहनाने के बाद यहाँ पे कोई भी चिटचिट बटन हम लगा देंगे, ये देखिए ऐसे। और दूसरी साइड से भी बना लेते हैं, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं कैसे हमने गोपाल जी को पहनानी है ये। तो आइए दूसरी साइड भी मैं नौ सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों साइड से अपनी तनियाँ बना ली हैं, ये देखिए। और पहनाने के बाद ये किस तरह से हमारी ड्रेस आएगी। यहाँ पे आप कोई भी कलर का बटन वगैरह लगा सकते हैं, अगर ऐसे ही यूज करना चाहते हैं। अगर आप इसे कोई चोली से ऊपर से भी पहनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम अपना चिटचिट बटन कुछ भी यहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए ऐसे। और ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगी। और यहाँ पे भी आप चिपकाने वाला चिटचिट बटन या है आप बटन वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा देंगे। और ये पहनाने के बाद इस तरह से हमारी ड्रेसेस आ जाएगी, ये देखिए। और ये इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसानी से मैंने इसको आपको बताया है, ये देखिए। और कोई भी ड्रेस के ऊपर से आप इसको डाल सकते हैं, सॉरी कोई भी चोली के ऊपर से इस तरह से भी करके, ये देखिए ऐसे।
और बहुत ही प्यारा सा लुक इसका आएगा। जैसे कि आपने वाइट कलर की चोली बना ली और ऊपर से ये ऐसे डाल सकते हैं, और सिंपल भी अभी के लिए, जैसे कि ये अभी के लिए ऐसे भी बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम दोनों चिचिट बटन लगा देंगे और चोली एकदम आराम से ये आ जाएगी। अभी हमारे गोपाल जी बैठे हुए हैं, मैं अभी इसको आपको पहना करके भी दिखा देती। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारी सी हमारी गोपाल जी की ड्रेसेस आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।